सबसे पहले आपको लिखना है www.kerala.gov.in, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट पोर्टल खुल जाएगा इसका। अब यहाँ राइट साइड में लिख रहा है डोनेट नाउ, आप डोनेट नाउ पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपको एक ये खुल जाएगा कंट्रीब्यूट टू CMDRF, ठीक है ना। तो यहाँ आपको अपना नाम डालना है, जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया गोबर नौशाद, यहाँ मैंने अपना नंबर डाल दिया। और आपको बैंक चूज़ करना है, अगर आप इंडिया से कर रहे हैं तो आपको INR में करना है, अगर किसी बाहर से देश से कर रहे हैं तो आपको USD में करना है, स्पेसिफाई अमाउंट इन USD, ठीक है ना। अब आपको अमाउंट डालना है जो भी हो आपका, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए डाल देता हूँ ये। अब आपको पेन नंबर डाल देना है, कुछ भी हो, ABC, जैसे मैंने अपना डाल दिया, पेन नंबर सही डालना है कन्फर्म। और ये आपको कैप्चा करना है, यहाँ पर स्मॉल कर लिया, A8KXX4, ठीक है ना। अब इसको हम पे नाउ कर देंगे, ओके। अभी आपसे पूछेगा, देखिए यहाँ आपकी नाम आ जाएगा लिखा हुआ, कहाँ आप भेजना चाह रहे हैं, कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, आपका अमाउंट आ जाएगा, किस डेट में आप कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। अब सिलेक्ट पेमेंट गेटवे करना है, एक ही ऑप्शन है पेमेंट गेटवे का, यहाँ पर स्टेट बैंक पे आप क्लिक कर लेंगे इसको, फिर सबमिट कर देंगे, ठीक है ना। ये सबमिट करने के बाद वी आर प्रोसेसिंग योर ट्रांजेक्शन, प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश योर क्लोज, मतलब रिफ्रेश नहीं करना है आपको, तो आपको उसको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद सबसे पहले आपसे पूछेगा आप नेट बैंकिंग से करना चाह रहे हैं, अगर नेट बैंकिंग में SBI से करना चाहें तो इस वाले पे क्लिक करेंगे, अदर बैंक से करना चाहें तो इस वाले से। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आपके पास स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अगर इस वो भी आपके पास नहीं है तो किसी और बैंक का डेबिट कार्ड है तो वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरे पास डेबिट कार्ड है तो मैं इस पर डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना। अब ये फिर इसको हमें कन्फर्म कर देना है, एक बार पूछेगा उसको कंफर्म कर देना, ठीक है ना। यहाँ आपका सारा को सब कुछ आ गया ऊपर ही। अब यहाँ आपके पास अगर डेबिट कार्ड वीज़ा का या मास्टर कार्ड का है तो ऊपर वाला क्लिक करना है, अगर आपके पास रुपए का डेबिट कार्ड है तो नीचे वाला करने का। मेरे पास वीज़ा का डेबिट कार्ड है तो मैंने ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ ये सारी डिटेल कॉन्फिडेंशियल होती हैं तो मैं वीडियो में शोर नहीं करना चाहता हूँ। तो आपको यहाँ सब डाल देना है, कार्ड नंबर, ठीक है, यहाँ कार्ड नंबर डाल देना है अपना, एक्सपायरी डेट डाल देनी है, और कार्ड होल्डर नेम जो भी आपका हो, CVV नंबर कार्ड के पीछे होता है वो डालना है, और ये कैप्चा करके आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। सारी चीज़ें ठीक ठीक कर लेंगे तो आपके पास OTP आएगा, एक OTP आपको नंबर डाल देना है और आपका पेमेंट हो जाएगा। देखिए लास्ट टाइम मैंने रिसिप्ट जो है उसकी फ़ोटो आपको डाल दी है, ये मेरी रिसिप्ट है।